हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी टॉपर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का क्वेश्चन है, कहानी क्या है, कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कहानी क्या है। कहानी की परिभाषा हम एक दो कवियों के अनुसार देखेंगे, उसके बाद हम कहानी के तत्व पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहानी की परिभाषा सबसे पहले हम देखते हैं। कहानी गद्य की कथात्मक विधा है जो कि जीवन के सुंदर एवं महत्वपूर्ण क्षणों का चित्र प्रस्तुत करती है। ये हो गई कहानी की परिभाषा। अब बाबू गुलाब राय के अनुसार कहानी क्या है, तो बाबू गुलाब राय लिखते हैं कि छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें प्रभावों वाला व्यक्ति केंद्रीय घटना या घटनाओं का आवश्यक परंतु कुछ कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन होता है। तो ये हो गई बाबू गुलाब राय के अनुसार कहानी की परिभाषा। अब हम देखेंगे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कहानी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं, जैसे नदी जल स्रोत की धारा है, मनुष्य वैसे ही कहानी का प्रवाह है। तो ये हो गया गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कहानी। अब हम देखेंगे कहानी का उद्देश्य क्या होता है और इसका महत्व क्या है। तो प्रत्येक कहानी का कोई ना कोई भाव या उद्देश्य होता है जिसकी प्राप्ति जीवन के किसी मार्मिक प्रसंग अनुभूति के सूक्ष्म स्वरूप चरित्र की किसी मनोवैज्ञानिक परिणति या किसी अविस्मरणीय वातावरण से होती है। इस प्रकार उद्देश्य का कहानी में प्रमुख स्थान है। अब हम देखते हैं कहानी के तत्व। तो कहानी के 5 तत्व होते हैं। पहला है कथा वस्तु। कथा वस्तु में हम लिखेंगे, मानव जीवन जीव जंतु या किसी भी पार्थिव अथवा अपार्थिव वस्तु के जीवन काल में घटी किसी घटना भाव या विचार के वर्णन को कथा वस्तु कहा जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो इसमें हम लिखेंगे, पाठक के हृदय में कहानी के पात्रों के प्रति सहानुभूति एवं पात्रों की सृष्टि पूर्ण स्वाभाविक सजीव व्यक्तित्व संपन्न कहानी के मूल भाव के अनुकूल तथा प्रधान पात्र के चरित्र के किसी मार्मिक अंश का उद्घाटन करने वाली होना, ठीक है। अगला है थर्ड है कथोपकथन या संवाद। तो कहानी में महत्व की दृष्टि से कथा वस्तु और पात्र के उपरांत कथोपकथन का स्थान माना जाता है। फोर्थ है देशकाल तथा वातावरण। किसी भी कहानी का संबंध किसी न किसी देशकाल व परिस्थिति विशेष से अवश्य रहता है, इसलिए देशकाल में परिस्थिति का चित्रण अवश्य माना जाता है। लास्ट पॉइंट है भाषा शैली। तो कहानी को सजीवता प्रदान करने में भाषा का विशेष महत्व है और कहानी के सौंदर्य का विधान शैली के माध्यम से ही होता है। तो ये हो गए कहानी किसे कहते हैं, कहानी की परिभाषाएं और कहानी के तत्व, ठीक है। तो वीडियो यदि आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।